विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कुल कथूल के निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद स्वयं मोर्चा संभाला है और किसान अधिकारियों के साथ डाड से 61 मील तक लगभग 6 किलोमीटर पैदल रास्ता तय किया। विधानसभा अध्यक्ष ने द्रांग द्रोण धनेटा पंचायत की 8 राजस्व गांवों के किसानों के लगभग 6000 कनाल भूमि को सिंचाई सुविधा देने वाली कुल कथूल का निरीक्षण किया। परमार ने कहा कि सैकड़ों वर्ष पुरानी इस कुल की लंबाई लगभग 18 किलोमीटर है और जंगल के बीच से निकलने वाली कुल के बार बार टूटने और पानी की चोरी होने की समस्या के स्थायी हल के लिए 6.5 किलोमीटर HDPE पाइप लगाई जाएगी और 5 किलोमीटर RCC कुल का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने निरीक्षण में कुछ स्थानों पर कुल में लीकेज पर विभाग को तुरंत ठीक करने के आदेश भी दिया और कहा कि 1 माह के बाद फिर कुल का निरीक्षण कर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि कुल के अंतिम छोर पर पूरा पानी किसानों के खेतों तक पहुंच रहा है या नहीं। उन्होंने विभाग को समयबद्ध कार्य पूरा करने के आदेश दिए ताकि इस योजना का लाभ लोगों को मिल सके। सरकार भाजपा की आई, प्रयास हुए और लगभग 4.5 करोड़ रुपए से अधिक यहां पर PVC पाइप HDPE पाइप जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वीकृत करवाई। आज लगभग ये पाइप बिछ गई है। आज मैं स्वयं और इस इलाके के किसान और जो हमारे XEN IPH या तमाम विभाग और इस कुल के साथ जुड़े हुए लोग, उन्होंने कुल का निरीक्षण किया है। मैं ये कह सकता हूं कि निरीक्षण के उपरांत ये पाया गया है कि कुछ एक स्थानों पर ये कुल टूटी है और हमने एक समय निर्धारित किया है कि अगले महीने की 15 तारीख को मैं पुनः इस कुल का दौरा करूंगा और ये कुल हम एक कार्यक्रम के रूप में अगले महीने तक हम लोकार्पित करेंगे। ये भी मैं इलाके के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और दूसरा, यहां आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, जिसमें मुझे बताया गया है कि लगभग 8 रेवेन्यू विलेजेस द्रंग धोरण गन्हटा जहां पर लोग खेती बाड़ी करते हैं वहां तक डिस्ट्रीब्यूशन भी लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से हिमकैट के तहत बनाई जाएगी। ये कोशिशें जारी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ प्रयासों को कोरोना ने रोका है। नियत हमारी साफ है, हम किसानों के खेतों में पानी भी पहुंचाना चाहते हैं और यहां पर लोगों के नल में भी पानी पहुंचाना चाहते हैं और उसमें चाहे हमारा अलग अलग स्थानों के लिए जो पैसा सैंक्शन हुआ है, आने वाले दिनों में उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूं। जो भी मुद्दे आए हैं उनको हम सुलझाएंगे। पिछले कल हमने कृपाल चंद कुल के बारे में विस्तार से चर्चा की है, आज कथुल कुल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सभी किसान बंधुओं का, भाइयों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, इसी विश्वास के साथ कि जब अगले महीने हम इसका उद्घाटन करेंगे तो ये पानी अंतिम छोर तक, ब्रांकर तक पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।